गैरी होपर को केरला ब्लास्टर के अलावा और दो क्लब अप्रोच किया है। केरला ब्लास्टर एफसी रिजेक्ट क्यों किया रिकार्डो करिश्मा की ऑफर? हैदराबाद एफसी कंफर्म किया है दूसरा फॉरेन प्लेयर। इंडियन सुपर लीग क्लब हैदराबाद एफसी दूसरा फॉरेन प्लेयर जाओ विक्टर को कंफर्म करने वाली है। ब्राजील से बिलोंग करती है, उम्र 31 ईयर्स, पोजीशन मिडफील्डर। पहले केरला ब्लास्टर एफसी भी जाओ विक्टर के ऊपर इंटरेस्ट था, लेकिन अब हैदराबाद एफसी में कंफर्म होने की संभव लग रहा है। जाओ विक्टर स्पेन, उज्बेकिस्तान, साइप्रस की जाने मानी लीग में खेल चुका है और 2010 लालीगा क्लब आरसीडी मालरोक्वा से भी खेला है। उसमें रियल मैड्रिड, बार्सिलोना जैसे बड़ा टीम की अगेंस्ट खेला था। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो हैदराबाद एफसी को मदद मिल सकती है। और इंडियन इंटरनेशनल आदिल खान के साथ डिफेंस और मिडफील्डर में पकड़ मजबूत कर सकती है। एक बड़ा स्टेप लिया है इंडियन सुपर लीग ऑर्गेनाइजर। कोविड-19 की सिचुएशन को देखकर टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करने वाली है। सिर्फ प्लेयर्स, ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट टीम और जो भी एसोसिएटेड मेंबर रहेगा इंडियन सुपर लीग 7 शुरू से लेकर आखिरी तक। इसमें डॉक्टर, नर्स, फिर जो स्वैप लेगा, फिर टेस्टिंग करेगा, वो सब पर्सनली इंडियन सुपर लीग के लिए ही लाया जाएगा। बुरी खबर हो सकती है चेन्नई सिटी एफसी के लिए। एएफसी कप 2020 कैंसिल कर सकती है क्योंकि प्रेजेंटली जो सिचुएशन है संभव नहीं लग रहा है रिज्यूम करने की, और दूसरी फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभव लग रहा है बहुत सारी क्लब। और वैसे भी इंडिया से यही एक टीम बचा हुआ था जो एएफसी कप 2020 के लिए खेल रहा है, और वो भी डेब्यूट सीजन। फाइनली बार्टोलोमी ओग्बेक्से की फ्यूचर डिसाइड हो गया है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 में मुंबई सिटी एफसी की तरफ से खेलेगा। ओग्बेक्से इंडियन सुपर लीग की रिकॉर्ड बताऊं तो दूसरा प्लेयर हो सकती है इंडियन सुपर लीग की हिस्ट्री में जो बैक टू बैक सीजन दो ISL टीम की ऑल टाइम गोल स्कोरर बने और गोल्डन बूट की दावेदार भी थे। ओग्बेक्से केरला ब्लास्टर एफसी छोड़ने का एक ही कारण हो सकती है सैलरी जो दिया जाएगा लास्ट सीजन से बहुत कम है, और मुंबई सिटी एफसी अच्छा ऑफर दे रहा था जो ओग्बेक्से इनकार नहीं कर सकता। सभी मुंबई सिटी फैंस यही आशा कर रही होंगे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, केरला ब्लास्टर एफसी में जो ऑल टाइम गोल स्कोरर बने थे, अब यहां भी सेम चीज करे और मुंबई सिटी एफसी को टाइटल जिताने में मदद करे। फॉर्मर केरला ब्लास्टर एफसी फॉरवर्ड बार्टोलोमी ओग्बेक्से मुंबई सिटी एफसी में जाने की बात, केरला ब्लास्टर एफसी उसकी रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा फॉरेन फॉरवर्ड केरी होपर की नाम सामने आया। इंग्लैंड से बिलोंग करती है, उम्र 32 इयर्स, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की ए लीग क्लब वेलिंगटन फिनिक्स में खेल रहा है। 2019-20 सीजन में 21 मैच खेल के 8 गोल और 5 असिस्ट किया और फिनिक्स को थर्ड पोजीशन में ले गया। बेस्ट ऑप्शन बन सकती है ओग्बेक्से की रिप्लेसमेंट। गैरी होपर पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग साइड नॉर्विच सिटी, फिर सेंटफील्ड, उसके बाद सेल्टिक में खेल चुका है। यूएफए चैंपियन लीग, यूएफए यूरोपा लीग में भी खेला है, फिर स्कॉटिश लीग, प्रीमियर लीग और भी बहुत सारा लीग में खेला है। देखा जाए तो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, केरला ब्लास्टर एफसी की बेस्ट चॉइस बन सकती है। वैसे तो सुनने में आया कि ओग्बेक्से की रिप्लेसमेंट के लिए गैरी होपर बनेगा या फिर नहीं, ये फाइनल डिसीजन केरला ब्लास्टर एफसी की स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्लोस सेंकिस और हेड कोच किबो बिचुना डिसाइड करेगा कुछ दिन बाद। लेकिन अभी अभी नया अपडेट मिला कि केरी होपर के पीछे केरला ब्लास्टर एफसी के अलावा और दो ISL क्लब भी शामिल है। उसमें से एक क्लब आउट ऑफ रेस से बाहर हो चुकी है क्योंकि ऑफर जो दिया वो बहुत कम था। अब सिर्फ केरला ब्लास्टर एफसी और दूसरा ISL क्लब बचा हुआ है। पोर्टुगीज इंटरनेशनल रिकार्डो करिश्मा जो इंडियन सुपर लीग में आने की संभव लग रहा था, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि केरला ब्लास्टर एफसी रिजेक्ट कर दिया है रिकार्डो करिश्मा को साइन करने की। इसका कारण रिकार्डो की सैलरी बहुत ज्यादा है और थोड़ा निगोशिएशन करने पर भी बहुत ज्यादा है। वैसे भी मार्क्यू प्लेयर साइन किया जाता है फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए और टीम मेंबर्स को एक्सपीरियंस देने के लिए। लेकिन इस साल तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 में सीजन में क्लोज डोर हो रहा है, तो इतना बड़ा प्लेयर को लेकर क्या फायदा होगा क्योंकि सभी को टीवी में ही देखना को मिलेगा। तो इससे इसको देखते हुए केरला ब्लास्टर एफसी साइनिंग रिजेक्ट कर दिया है
और ये भी हो सकती है दूसरा इंडियन सुपर लीग क्लब अप्रोच करे। देखते हैं आगे क्या न्यूज निकलती है उसके बारे में। अगर ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना।